Hello students, I am here with my new topic microcystis. हम सभी जानते हैं कि microcystis एक साइनोफाइसियन एल्गी है, यानी कि ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है. तो इस वीडियो में हम उसका क्लासिफिकेशन, उसकी हैबिट, यानी कि वो कहाँ कैसा होता है, हैबिटेट कैसा, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पाया जाता है, उसका निवास क्या है, और उसका जो है स्ट्रक्चर कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माइक्रोसिस्टिस को कहाँ पे प्लेस किया गया है, कहाँ पे रखा गया है. तो सबसे पहले देखें, अगर किंगडम की बात करें तो किंगडम प्लांटी में माइक्रोसिस्टिस को रखा गया है. डिवीजन की बात करें तो ये एक प्रोकैरियोटिक एल्गा है, यानी कि हमें ये पता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है कि साइनोफाइसिन एल्गी जो होते हैं वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि प्रिमिटिव लेवल के होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. फिर सब डिवीजन की बात करें तो ये आता है साइनोफाइकोटा में. क्लास इसको साइनोफाइसी एल्गी में रखा गया है. साइनोफाइसिन एल्गी के बारे में आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है. फिर ऑर्डर की बात करें तो ये क्लोरोकोकेल्स में प्रेजेंट है. फैमिली है इसकी क्लोरोकोकेसी एंड द जीनस इज माइक्रोसिस्टिस. हम किसकी बात करने वाले हैं, माइक्रोसिस्टिस की बात करने वाले हैं. अब आता है हैबिटेट या अकरेंस की बात कर लें कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं माइक्रोसिस्टिस. तो दीज आर फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर यानी कि ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं. कॉलोनियल एल्गी है, यानी कि ये कॉलोनीज बनाते हैं. ये यूनिसेलुलर नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है, ये कॉलोनीज बनाते हैं. दे आर फ्री फ्लोटिंग. फ्री फ्लोटिंग यानी कि वाटर की सरफेस पर ऊपर ऊपर तैरते हैं. एंड फॉर्म्स वाटर ब्लूम कॉजेज यूट्रोफिकेशन एलोंग विद एनाबेना ऑक्सीलेटोरिया एंड अदर ब्लू ग्रीन एल्गी. यानी कि ये क्या करते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं और ये वाटर ब्लूम कॉज करते हैं, यानी कि यूट्रोफिकेशन करते हैं. यूट्रोफिकेशन आपने हार्मफुल रोल ऑफ एल्गी में मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, आप वहां से कंसर्न कर सकते हैं. फिर उसके बाद आता है कि इट आल्सो प्रोड्यूसेस माइक्रोसिस्टिन. ये क्या करते हैं, एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं. अब ये माइक्रोसिस्टिन जो ये पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी वजह से ये वाटर में एक, ये क्या है, एक एल्गल टॉक्सिन है. ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो पानी में जाता है, जिसकी वजह से जो वाटर बॉडीज में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, फिश वगैरह, वो उनकी डेथ हो जाती है. फिर उसके बाद व्हेन कैटल ड्रिंक सच वाटर दे सफर फ्रॉम डायरिया एंड इनडाइजेशन. हाँ, कैटल भी अगर वो पानी पियेंगे, जैसे सपोज करिए कोई भी वाटर बॉडी की बात कर लें, जैसे पॉन्ड की बात कर लें, किसी रिवर की बात कर लें, लेक की बात कर लें, तो अगर इन वाटर्स को कोई भी कैटल अगर पानी पीता है तो उसको उसमें उस टॉक्सिन की वजह से उनको डायरिया या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि वो कहीं ना कहीं उस टॉक्सिक वाटर से सफर करते हैं ऑर्गेनिजम्स. फिर इट आल्सो अफेक्ट सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी उनका अफेक्ट करता है, यानी कि माइक्रोसिस्टिस जो है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल रोल भी प्ले करता है. इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रोडियम स्ट्रेप्टोकोकस जू प्लैंक्टन. ये क्या करता है, इनहिबिशन करता है इन ग्रोथ बैक्टीरिया को बढ़ाने में, कि वाटर में इनकी, मतलब इनका भी ग्रोथ हो जाता है, क्लॉस्ट्रोडियम का, स्ट्रेप्टोकोकस का, जू प्लैंक्टन का. तो क्या हो रहा है कि ये हमने यहाँ पे ये देखा कि जो माइक्रोसिस्टिस है वो फ्रेश वाटर है, कॉलोनियल एल्गी है, ये सब जान चुके हैं, फ्री फ्लोटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं हार्मफुल रोल प्ले कर रहा है, वाटर में टॉक्सिन रिलीज करता है जिसका नाम है माइक्रोसिस्टिन, जो कि अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल है. फिर आता है अगर इसके थैलस स्ट्रक्चर की बात करें तो थैलस स्ट्रक्चर में इट फॉर्म्स इररेगुलर कॉलोनी. इसकी कॉलोनी जो होती है वो बहुत ही इररेगुलर होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल हो, ये इररेगुलर होता है. जैसे अमीबा का शेप इररेगुलर होता है, सेम उसी तरह इसका भी, इसकी कॉलोनी का भी शेप इररेगुलर होता है. सेल्स ऑफ माइक्रोसिस्टिस इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स. जो सेल्स होते हैं, सपोज करिए ये यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं, तो ये जो माइक्रोसिस्टिस के सेल्स होते हैं ये एक म्यूसिलेजिनस शीथ में प्रेजेंट होते हैं, मतलब म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में घिरे होते हैं, सराउंडेड होते हैं उससे. ईच सेल ऑफ माइक्रोसिस्टिस रिजेंबल्स ऑफ साइनोफाइसियन सेल, यानी कि माइक्रोसिस्टिस का हर एक सेल साइनोफाइसी सेल की तरह रिजेंबल करता है. यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए कि स्ट्रक्चर में क्या पता, क्या
दिख रहा है, यहाँ पे म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स है। फिर हमने ये पता है पढ़ा है कि साइनोफाइसिन एल्गी जितने होते हैं उसमें जो थाइलाकॉइड होते हैं वो सिंगल होते हैं और ऐसे फ्रीली होते हैं, यानी कि स्टैक्ड फॉर्म में नहीं होते, अनस्टैक्ड होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी स्टैक्ड नहीं है, अलग अलग हैं सारे। फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है नहीं, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल प्रेजेंट है। तो ये हुई माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी। फिर नेक्स्ट आता है हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। माइक्रोसिस्टिस का रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो इट डज नॉट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइक्रोसिस्टिस में नहीं होता। इट ओनली रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एंड एसेक्सुअली। यहाँ पे सिर्फ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इट अकर्स बाई टू वेज, दो मेथड के थ्रू होता है, पहला बाई फ्रेगमेंटेशन एंड दूसरा बाई बाइनरी फिशन। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, यानी कि फ्रेगमेंटेशन वर्ड से क्या समझ में आ रहा है, यानी कि वहां पे फ्रेगमेंट्स बनते होंगे। तो द कॉलोनी ऑफ माइक्रोसिस्टिस, जो माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनीज होती हैं वो क्या करती हैं, ब्रेक इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स या पीसेस। फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है पीसेस। वो क्या होता है कि वो ब्रेक कर जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं बाई सम एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक वेव एक्शन और बाई कैटल एक्टिविटी। क्या होता है कि जैसे किसी हवा के थ्रू, किसी वेव के थ्रू, या किसी कैटल की एक्टिविटी के थ्रू, या वाटर के थ्रू, वाटर वेव्स जो होती हैं इनके थ्रू जो माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनीज होती हैं वो फ्रैगमेंट्स में ब्रेक कर जाती हैं, टूट जाती हैं पीसेस में छोटे छोटे। फिर उसके बाद वही ईच फ्रैगमेंट, वही पर्टिकुलर एक फ्रैगमेंट मल्टीप्लाई करता है एंड फॉर्म्स अ मैच्योर कॉलोनी। तो यहाँ पे हमने देखा कि वही एक सिंगल फ्रैगमेंट जो बिखरे हुए टूटे टूटे पार्ट्स हैं वो एक पीस जो है वो मल्टीप्लाई करता है और एक मैच्योर कॉलोनी बनाता है, एक नया माइक्रोसिस्टिस बनाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन कैसा हो रहा है, वेजिटेटिवली हो रहा है बाई फ्रेगमेंटेशन, मतलब फ्रेगमेंट्स बन करके रिप्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट आता है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में क्या होता है, बाइनरी फिशन में हमने पढ़ा है कि द डिवाइडिंग सेल एंड द न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। क्या होता है कि जो पेरेंट सेल है, यहाँ पे आप डायग्राम से देखें कि जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड कर गया है ना, माइटोटिकली मतलब माइटोटिक रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेप्टम इज फॉर्म्ड, यहाँ पे एक सेप्टम की तरह फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, पूरी बॉडी डिवाइड नहीं कर रही, यहाँ पे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर उसके बाद सेप्टा में, दो सेप्टा में चेंज हो गए, न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए और फिर उसी सिंगल पेरेंट बॉडी में जो है दो सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ और वही ईच सेप्टा यहाँ से डिवाइड कर जाते हैं, यहाँ से ब्रेक कर जाते हैं और एक दो डॉटर सेल्स बना लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेप्टम इज फॉर्म ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। एज अ रिजल्ट टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म, दो डॉटर सेल बन गए और ये एक डॉटर सेल एक नया माइक्रोसिस्टिस बनाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वेजिटेटिवली अगर देखा जाए तो दो तरीके से हुआ, फ्रेगमेंटेशन और बाई बाइनरी फिशन। फिर नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कि माइक्रोसिस्टिस जो है वो एसेक्सुअली जो है कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो इट अकर्स बाय नैनोसाइट, यहाँ पे ये जो नैनोसाइट वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी टू मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर नैनोसाइट्स। तो यहाँ पे आप सबसे पहले नैनोसाइट्स के बारे में जानते हैं। क्या हो रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नैनोसाइट्स के थ्रू हो रहा है इन माइक्रोसिस्टिस फ्लोजेक। फ्लोजेक क्या है, एक माइक्रोसिस्टिक सिस्टिस की दूसरी स्पीशीज है, यानी कि एक स्पीशीज की बात हो रही है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नैनोसाइट्स के बनने से हो रहे हैं। तो ये नैनोसाइट्स क्या होते हैं, सर्टेन वेजिटेटिव सेल्स ऑफ माइक्रोसिस्टिस अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन टू फॉर्म अ मिनिएचर कॉलोनी। ये क्या होता है कि जो माइक्रोसिस्टिस पेरेंट सेल होता है उसमें कुछ वेजिटेटिव सेल होते हैं जो सेल डिवीजन में जो है, जिनमें सेल डिवीजन होता है रैपिडली, यानी कि जो अंडरगो रैपिड सेल डिवीजन, जिसमें सेल डिवीजन हो रहा होता है, कुछ वेजिटेटिव सेल जिनमें सेल डिवीजन हो रहा होता है वो एक मिनिएचर कॉलोनी बनाते हैं, एक छोटी कॉलोनी बनाते हैं और उसी छोटी कॉलोनी को कहते हैं नैनोसाइट, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं नैनोसाइट। फिर नैनोसाइट वो जो मिनिएचर कॉलोनी बनी है वही जो है प्रोड्यूस करती है एक नया थैलस, यानी कि और वही थैलस जो है स्टार्ट करता है, डिवीजन होते हैं उसमें, कई डिवीजन्स होते हैं और एक मैच्योर कॉलोनी बनती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप नैनोसाइट का डायग्राम कि जैसे माइक्रोसिस्टम में ये छोटे छोटे ये जो वेजिटेटिव सेल हैं
ये छोटे छोटे ये जो वेजिटेटिव सेल है ये इन्हीं में सेल डिवीजन होता है, यही बार बार डिवाइड करके क्या बनाते हैं, एक जो है मिनिएचर कॉलोनी बना लेते हैं। और वही कॉलोनी जो है क्या क्या एक कुछ टाइम बाद जो है डिवाइड होती है और एक नया थैलस एक नई मेच्योर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है, तो एक नया माइक्रोसिस्टिस की कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है, नैनोसाइट्स के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे क्या है, ये सारे नैनोसाइट्स किस में प्रेजेंट है, ये म्यूसिलेजिनस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। और हमने देखा है कि माइक्रोसिस्टिस का जो थैलस होता है वो इरेगुलर होता है, कोई स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल टाइप का शेप नहीं होता, वो इरेगुलर होता है। तो यहाँ पे आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।